तो गाइस यार आप सभी यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास क्लास टेंथ का विषय संस्कृत का 2022 का पूरा पेपर आ चुका है, देखिए। लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पर नहीं दिखा सकता, पेपर जब आता है तो मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ आप सभी को। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक मत करना, शेयर मत करना, जो मर्जी वो करना, जो मर्जी वो मत। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें आप भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्द से स्कॉलरशिप में रजिस्टर की और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहां इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जिसमें आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और इनाम जीतिए। नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ATI रुपेश पांचाल के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आप सभी का मित्र रुपेश पांचाल और आज के वीडियो में आप सभी को कक्षा 10वीं में आपका संस्कृत विषय जो है इसमें आपकी वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन 2022 में, तो इसमें हम आपको एक मॉडल प्रश्न पत्र बताने जा रहे हैं। अगर आप इस मॉडल प्रश्न पत्र को आज की वीडियो को आप पूरी देख लेते हो लास्ट तक तो आप 60 से 70% आराम से ला सकते हो। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी नहीं करना है, कमेंट भी नहीं करना है, ठीक है। जो मर्जी हो वो आपको करना है, जो मर्जी नहीं हो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं ना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी यहां पर देख सकते हो समय दिया हुआ आपको 3 घंटे, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक है पूरा 80 का, ठीक है। निर्देश यहां पर देख सकते हो सर्वे प्रश्न ना अनिवार्य है यानी सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम समुख्य अंका प्रदत्वा, ठीक है ना, यहां पर देख सकते हो। उसके बाद देखिए यहां पर प्रश्न क्रमांक 1 है उचितम विकल्पम चित्वा लिखा, यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। पहला देख सकते हो गत्वा इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है, ठीक है। अगला देख सकते हो, अगला क्या है, तुमिन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, यानी कि तुमिन प्रत्यय युक्त आपको शब्द चुनना है इन सभी में से, ठीक है। उसके बाद अगला देख सकते हो, अगला बोल रहा अपना आदाय इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, आदाय में कौन सा प्रत्यय वो आपको बताना है, ठीक है। अगला देख सकते हो गतः इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, गतः में कौन सा प्रत्यय वो आपको बताना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या, अगला है अयम बालक वीरह इत्यस्मिन वाक्य विशेष्य पदम अस्ति, ठीक है। अगला देख सकते हो, अगला क्या है, अगला आपका क्रुद्ध सिंह वने वस्ति अस्मिन वाक्य विशेष है ना, विशेष पदम किम, ठीक है, विशेष पदम किम, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या, अगला आपका रिक्त स्थान पूर्य, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला रिक्त स्थान हो जाएगा सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम, सलिलम का पर्याय क्या होगा वो आपको बताना है, यहाँ पर नीर होगा या शरीर होगा वो आपको बताना है, ठीक है, सलिलम का। अगला देख सकते हो, अगला क्या है, पवनम इत्यस्मिन पर्याय पदम कौन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वायु होगा या तड़ाग होगा, ठीक है। अगला देख सकते हो सुकरम इत्यस्मिन विलोम पदम है ना, विलोम पदम अस्ति, तो कौन सा होगा, शुद्धम या दुर्वहम, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। अगला देखते हो, अगला क्या, अगला आपका अस्तमय इत्यस्मिन विलोम पदम, यानी अस्तमय का विलोम पद क्या हो जाएगा, सायम या उदय, ठीक है। अगला देख सकते हो, अगला क्या, अगला आपका कृषिकाय खालिस्तान आसित, क्या आएगा इसमें, अभियुक्त आएगा या नृत्युक्त आएगा ना, नृयुक्त। अगला देख सकते हो, अगला क्या है, चोर खालिस्तान आसित, क्या हो गया, आरक्षी आएगा या विपक्षी आएगा वो आपको बताना है। अगला देख सकते हो, अगला क्या है, वाची खालिस्तान भवेत, वक्रता या अवक्रता वो आपको बताना है, ठीक है, ये हो जाता है आपका खालिस्तान। उसके बाद आ गया युग मेलनम, यानी कि एक सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। पहला देख सकते हो इधर है बालके तलिया अहम त्व है ना प्रहार अपवाद, और इधर देख सकते हो प्रथमा विभक्ति सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति तृतीया, इसको आपको जो मेल करना है, ठीक है, क्या करना है, मेल करना है, ठीक है। अगला देख सकते हो, अगला क्या, अगला आपका एक वाक्य उत्तरत है ना, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला देख सकते हो वद धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, यानी कि आपको ये देखिए वद धातु दी गई, क्यों कौन सा है, वद धातु, इसको आपको लट लकार में लिखना है, कौन सी लकार में, लट लकार में, वद मध्यम पुरुष के बहुवचन में। इन सभी का अगर आपको आंसर समझना है और मंगवाना है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है कि सर हमें इन सभी का आंसर चाहिए और समझना भी है, ठीक है। तो मैं आपके लिए कल एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप सभी को इन सभी को जो समझा भी दूंगा, उत्तर भी बता दूंगा, पूरा पूरा रटवा दूंगा, याद करवा दूंगा, समझा दूंगा पूरा, है ना। अगला देखिए, अगला क्या, अगला आपका
अस धातु लट लकार लट लक लट लट लकार ठीक है प्रथम पुरुष से एक वचनम लिखत। अगला स्त्री लब लब धातु लट लकार से उत्तम पुरुष से बहुवचनम लिखत। अगला क्या है गच्छति क्रिया पदे क धातु लिखत। उसके बाद एक समाचार है एक परमोधर्म अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति। अगला क्या है तत्र विद्यालय अस्ति अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम अस्ति। अगला इसको अगला क्या है अतः कथा आरंभ अस्मिन वाक्य अव्यय पदम लिखत। ठीक है अव्यय पद क्या है इसमें वो आपको बताना है। ठीक है अव्यय पद जो व्यय ना हो। ठीक है अगला क्या है अगला देखिए अगला क्या है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम न लिखना है। यानी कि जो वाक्य शुद्ध हो उसके लिए आम लिखना है समक्ष यानी जो सही हो उसके लिए आम और जो गलत हो उसके लिए न आपको प्रयोग करना है यानी सत्य असत्य है। ठीक है पहला सकते विद्यालय इत्यस्मिन पदे दीर्घ स्वर संधि अस्ति। ये विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है तो ये तो वही आम हो जाएगा आपके क्या यानी कि सत्य हो जाएगा। ठीक है अगला क्या मनोरथ इत्यस्मिन पदे व्यंजन संधि अस्ति। क्या व्यंजन संधि इसमें तो इसमें न हो जाए क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है। क्या विसर्ग अगर हम इसका संधि उच्छेद करेंगे तो होगा मनह धन रथ होगा है ना मनह धन रथ यानी कि यहाँ पर विसर्ग होगा विसर्ग का लोप होगा क्या हो जाएगा मनोरथ इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि है। अगला क्या है जगदीश इत्यस्मिन पदे व्यंजन संधि न अस्ति अगर यहाँ पर न नहीं आता और बोलता अस्ति तो आम होता लेकिन यहाँ पर न है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा न। और देखो मैं आपको बता दूँ 99% केसेज में ठीक है जहाँ पर न आता है ना वाक्य में जहाँ पर न आता है वहाँ पर उसका आंसर भी क्या होता है न होता है ना नेगेटिव होता है अर्थात असत्य होता है। और जहाँ पर जो है अस्ति अस्ति आता है मतलब न नहीं आता उसका आंसर 90% जो है आम होता है ना कि सत्य होता है। ठीक है ऐसा मैं आपको बोल रहा तुक्का लगाने की ट्रिक है। ठीक है क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है तो देखिए आप अगला देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्रमांक 6 आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है क्या बोल रहा है आपका कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। ठीक है कवि किसकी शरण में जाना चाहता है ठीक है वो आपको बताना है। अगला इसके अथवा वाला बोल रहा है अस्माकम पर्यावरण किम दूषितम है ना दूषितम अस्ति। ठीक है ईशितम नहीं दूषितम आएगा। ठीक है अगला देखिए बच्चों अगला क्या बोल रहा है अगला बोल रहा है सातवां प्रश्न व्याग्रह किम विचार्य पलायित। ठीक है उसके बाद देखिए अगला प्रश्न अपना इसका अथवा वाला लोके यह तो भयात क मुच्यते। ठीक है अगला अठवा है कृषक किम करोति स्म इसका अथवा वाला देखिए जननी की दृश्य भवती। ठीक है जननी किस प्रकार की होती है ना ऐसे किस प्रकार की होनी चाहिए। अगला क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 9 बोल रहा है मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवती यानी मोर जब नाचता है ना तो नृत्य की जब नाचता है तो कौन सी स्थिति में होता है इसका अथवा देख सकते हो। अगला अथवा क्या बोल रहा है अस्मिन नाटके कति पात्राणी संति है ना अस्मिन नाटके में कौन कितने पात्र है। ठीक है ना अगला इसका अगला क्या है अगला प्रश्न क्रमांक 10 बोल रहा है निर्धन जन कथम उपार्जितवान। ठीक है यानी निर्धन लोग ने है ना निर्धन जन ने है ना कथम यानी किस प्रकार जो उपार्जितवान किस प्रकार धन कमाया। ठीक है इसका अथवा देख सकते हो वस्तुतः चोर क आसित। ठीक है वस्तुतः चोर का आसित यानी कि वास्तव में चोर कौन था। ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है कमेंट बॉक्स में अगला क्या अगला आपका पृथ्वी व्या स्खल नात किम जायते। ठीक है इसका थोड़ा देख सकते केशाम विस्फोट टेरिप भूकंपो जायते। ठीक है अगला इसका अगला क्या प्रश्न नंबर 12 वाच्य परिवर्तन कुरुत है ना कोई अपी दो है ना यानी कोई दो इनमें से इन तीनों में से कोई दो वो क्या करना है वाच्य में बदलना है ना। इससे पहले देखते हो अहम जलम पीवामी तो इसको आपको वाच्य बदलना है यानी कि है ना तो इसको कर्मवाच्य में बदलना है किसको कर्मवाच्य में मैं वाच्य की वीडियो बना चुका आप चाहे तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है अगला देखिए अगला क्या अपना 13 क कम प्रति कथियति लिखत यानी किसने किससे कहा वो आपको लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य देख सकते हो रे धूर्त त्वया मिहम है ना मिहम उसके बाद पूरा व्याघ्रत्रस्य व्याघ्रत्रयम् दत्तम कथयति। ठीक है इसमें आपको बताना है कम यानी किसने कम प्रति यानी किससे कहा। ठीक है ये आपको लिखना है इसका अथवा में आप देख सकते हो भवान कुत भयात पलायित। ठीक है अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न अपना बोल रहा है रेखांकित पदा है ना पदानी अधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते ना प्रश्न निर्माण आपको करना है। यहाँ पर आपको उत्तर दिए गए जैसे कि प्रश्न निर्माण भी कैसे करना है जैसे कि इसके नीचे चिन्ह दिया गया है तो आपको प्रश्न चिन्ह भी इसके नीचे लगेगा जो भी लगेगा किम लगेगा
या कष्ट लगेगा ना, या कदा लगेगा, या जो भी है वो किसके नीचे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जिसके नीचे ऐसा डार्क निशान हो रहा है ना, लाइन खींचा रही है, इसके नीचे देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाया हूँ, इसके नीचे, किसके नीचे, इसके नीचे, यहाँ पर इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जिसके नीचे ये लाइन है उसके नीचे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको प्रयोग करना है, बस इतना करना है। और एक और काम ये करना है, लास्ट लास्ट में आपको एक ऐसे क्वेश्चन टैग बना देना है, क्या क्वेश्चन टैग, ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यानी कि प्रश्न निर्माण करना है। अगला देखते हो, अगला क्या है, अगला आपका अशुद्ध वाक्य नाम शुद्ध करणीयम, यानी कि कोई दो है ना, कोई दो करना है, अशुद्ध वाक्य शुद्ध करना है, जैसे कि पहला दे रखा है श्री गणेशम नमः, है ना, इसको आपको शुद्ध करना है, क्या शुद्ध होगा वो आपको करना है, पहला बात तो ये शुद्ध करना है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाना है, और दूसरा है श्री गणेशाय होगा इसमें, श्री गणेशाय, ठीक है। अगला देख सकते हो, अगला क्या है आपका, अगला यहाँ पर है आपका है ना, देखिए अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, ठीक है, संस्कृत भाषा में आपको उत्तर लिखना है इस गद्यांश को पढ़ करके। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला प्रश्न बोल रहा है ग्रामस्य नाम किम आसीत, उसके बाद तत्र राजसिंह नामक वसति स्म, उसके बाद विद्धिमती पुत्र द्वयोपिता कुत्र चलिता, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर। अगला देखिए, अगला इसका अथवा में, इसका अथवा में ये वाला है, और यहाँ पर इसके प्रश्न दिए गए। मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें आपको परीक्षा में करना ये है कि आपको पाँच से, मैं आपको बोलूँगा 10 मिनट का रिकमेंड करूँगा, 10 मिनट आपको एक बार पढ़ना है पूरा, इसको प्रश्न को नहीं देखना है, इनके इस प्रश्न को अभी नहीं देखना है, 10 मिनट तक इसको पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आपको 2 मिनट तक प्रश्न देखना है, क्या देखना है, प्रश्न देखना है, उसके बाद बचे 3 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट में आपको क्या करना है, इसके प्रश्नोत्तर भी खोज लेने, आपको कितना समय लगा, 20 मिनट, 20 मिनट में आपको पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, पूरा टाइम का उपयोग लेना है, ठीक है ना, पूरा पूरा, ठीक है, कम ना ज़्यादा, ठीक है, तभी जाकर के आपको पूरा राइट होगा, 80 में से 80 मिल पाएगा। अगला क्या, अगला आपका देख सकते हो अधोलिखित पद्यांशम सम्यकम, है ना, सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, यहाँ पर आप देख सकते हो विचित्र खलु संसार नास्ति किंचित किंचित निरर्थकम, है ना, अश्वेद श्वेद दावने विरह भारस वहने, है ना, वहने वहने खर वह, है ना, ये आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, प्रश्न उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना, पठित्वा प्रश्ननाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, संस्कृत भाषा में आपको उत्तर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न है, ठीक है, अगला देख सकते हो, और उत्तर किसमें से लिखना है, उत्तर आपको इसी में से देख कर लिखना है, इसमें से, जैसे कि देखिए मैं आपको बता दूँ, पहला पहला विचित्र खलु संसार किम नास्ति, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है विचित्र खलु संसार है ना, संसार नास्ति किंचित निरकर्थकम, तो ये पहली लाइन जो है ना आपकी पहला वाला उत्तर बन जाएगा, है ना, इस प्रकार से आपको जो इसका आंसर इसमें से मिल जाएगा, सबसे सरल यही लगता है मुझे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न अपना क्या है, अगला प्रश्न अपना है अधोलिखित नाटकश्यम है ना, नाट्यश्यम, ठीक है, समत्यम पठित्वा प्रश्ननाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, संस्कृत भाषा में आपको उत्तर लिखना है इसमें से देख करके, ठीक है, ये भी सरल चीज़ है। अगला देख सकते हो, अगला क्या आपका, अगला 19 नंबर वाला प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानीनानि पूर्यत कुरु, ठीक है ना, कोई कोई त्रय है ना, कोई तीन करना है, ठीक है, कोई तीन, ये यहाँ पर चार है ना, यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अगला अगला यहाँ पर प्रश्न पत्र समागत श्लोकान विहाय सोपाठ्य पुस्तकस्य सुभाषितम द्वयम श्लोक से लिखत, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 श्लोक लिखने हैं, लेकिन श्लोक से लिखने जो आपके पेपर में ना पूछे गए हो, अगर आपने ऐसे लिख दिया जो पेपर में पूछे गए हैं तो आपका नंबर नहीं दिए जाएंगे, और ये नंबर है आपका 4 नंबर जो कि बिल्कुल फ्री का है, जो कि एक ऐसा नंबर है जो आप जो कि आने वाला है ना। और एक और ये देखिए सो प्राचार्य कुर्ते अवकाश अवकाशार्थम एवं एकम प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा लिखत, संस्कृत भाषा में आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, ये भी आपका किसका नंबर फ्री का, 4 नंबर का नंबर आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे जो है नीचे आपको जन्मदिन की बधाई देते हुए आमंत्रण पत्र लिखना है, ठीक है, देख सकते हो। उसके बाद फिर से यहाँ पर देख सकते हो अपघटित गद्यांश आ चुका है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न क्रमांक 23 अधोलिखित विषय एकम विषय है ना संस्कृत भाषा निबंध लिखत, देखिए ना निबंध में आपको बताता हूँ, एक ही याद करना है आपको, वो कौन सा याद करना है, संस्कृत भाषा महत्व का, कौन सा याद करना है, संस्कृत भाषा महत्वम का, सिर्फ और सिर्फ मैं गारंटी देता हूँ ये आ जाएगा, ठीक है। एक तो संस्कृत भाषा महत्व का कर लो, अगर आप एक और करना चाहते हो तो आप एक और ये कर लो महाकवि कालिदास का, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा तो मैं आपको बताऊंगा भाई एक ही कर लो, कम से कम यही आ जाएगा, ठीक है। जब यही आ रहा है तो आपको और जो करने की जरूरत क्या है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि हमारे चैनल पर और भी वीडियो आएगी है ना, और इसका आंसर भी मैं जल्द लेकर के आने वाला, पूरा पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।